गालियां दे रही मैं भी कहीं तो गालियां दे रही बा फोन करे क्या हुआ बेटे बोले तो देखो मी टाकी फुल चावल चुनो बोल रहे सास मैं बोली थोड़े चुन के चढ़ाती हूँ बोले तो नहीं बोल रही और तो मैं बोली अजी अम्मा थोड़े चुन के चढ़ाती कहते ना हमारी बच्ची बोले तो लड़ी गालियां दे रही ननू ने दो जने मिलके करे जी बाबा आलिया बेगम है 24 है एक साल हो रहा 12 महीने हो रहा जी बाबा 15 दिन आके रहती थी सास लड़े तो 15 दिन आके रहती थी दामाद को समझाई भी मैं ऐसा नको करो मुझी नको करो हाँ मिठाई का काम करते हैं नो खाली अम्मा कुछ भरेंगे बोलते पैसे लाके खाली अम्मा कुछ भरेंगे बोलते दवा ला बोले तो नहीं आपको कैसा मालूम है ये हुआ बोलते मैं बच्ची फोन करी तो मैं गई कई कितनी लड़ाई हो रही कि माँ घर को ला लूंगी बच्ची को बोल के गई फांसी लगा ली चाकू दे बोले तो नहीं दे रही औरत एक घंटा होगा नहीं दे रही बच्चा जाके चूल्हे कन से ढूंढ के लाया चाकू काठी में चाकू से टाइट फांसी फाड़ गई थी कुर्री नहीं थी बच्ची की जिंदा थी एक घंटा लटकाई चाकू को एक घंटा लटकाई पहले देती तो जिंदा रहती थी मेरी बच्ची हाँ चाकू के वास्ते लटके जी बाबा नहीं दी औरत वो नहीं दी चाकू नहीं दी एक घंटे के बाद दे रही चाकू बच्चा ढूंढ के लाया वो भी चूल्हे कन जाके हम क्या करना बोलो हमारी बच्ची कैसे आएंगी वापस यह आदमी नहीं सुनता था खाली अम्मा 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 करता था बोलो बाबा कैसा करूं मैं मेरी बच्ची को कैसा लाऊं दवा ला बोले तो नहीं बोलता था नहीं वो कतर के लेके गई दवा खाने को बस्ती की क्या नहीं की मेरी बच्ची बोल के नहीं बची असरा को लेके गई मर गई बच्ची बोले मेरी बच्ची को हाँ पुलिस केस उनके अब्बा करे लखनऊमा पे नहीं इनको कुछ एरिया में रहती बच्ची ससुराल कहाँ का नहीं अली नगर उसमें रहते ओट्टापल्ली में ओट्टापल्ली में रहते हो ना वहाँ पर लखनऊमा पे में रिपोर्ट लिखा है बाबा मोहम्मद नगर में रहते चन्नान गुट्टे के वहाँ पे शाही नगर में रहती तो वहाँ का चन्नान गुट्टे का फिर लगता बोल के वहाँ कम्प्लेंट दी मर गए पैसे लेके गए हम लोग वहाँ से ससुरालगंज से दवाखाने को लेके आसरा को बच्ची मर गई बोले तो फिर यहाँ से चन्नान गुट्टे पीएस में जाए कम्प्लेंट देखी आसमानों को लेके हमारा गटकाने को और इसकी अम्मा बोले रंडी की है क्या क्या जी करती बोल रहे अंदर गई तो अंदर दरवाजा तोड़ा तो पानी लगा लेके अरे भाई लटक रही मेरी आप गए थे दरवाजा लगा लेके मैं दरवाजा तोड़ा भाई मेरी बहन को मार डाली इनकी अम्मा ही मारे वो इनकी अम्मा इनकी बहन मारी 50-50 किलो चावल चुन ला करते रोज चुन के दो तीन हमारे घर को भी नहीं आती पूरे चावल खत्म करते फिर घर को गए तो फिर चावल चुनो बोलते पीछे अजाब लगाते अजाब लगा 12 महीने हो रहे शादी हो के फिर भी घर पे छोड़ देते घर पे छोड़ देते 6 महीने नहीं रहे शादी कर लेके खिलाना नहीं होता तो लेके कहीं को कह कहते मेरी बहन को बच्ची की मिजाज खराब है 50 किलो चावल वो करना करते रोज 2 दिन में एक बार चावल वो कराते खाली खाने को देते ना पीने को देते खाली खिचड़ी वो खट्टा कहते वो टमाटरों का खट्टा कहते मैं उधर से घर से आया तो नहीं घर से आया तो इधर देखा मैं मेरी बहन को कटका मारा तो आपको कैसा मालूम आपके बहन नहीं पहले फोन पे लड़ाई हो रही थी भाई फिर मैं वहां से मैं खुश होकर आया मैं मेरी बहन मेरे पास आती बोल के तो इन्हों का क्या करे मालूम भाई आए थे के फांसी डाल दिए बाजी में मार के रखे इन्हों का मैं आए पीछे खटका मार रहा हूँ तो इनकी सास आ रही ना कोई आके खटका मार रहा उधर मैं दरवाजा तोड़ के निकाल तो मेरी बैल लटक रही थी बड़े भाई
मेरी बहन लटक रही थी, मेरे को कुछ ना कुछ तो करो, मेरे को ना मेरे को मेरी बहन का होना तो कोई भी नहीं आपके साथ में। मेरे साथ में हमारे मावाल आए थे। तो आप निकाल के कहाँ पर लेके गए? निकाल के मैं सीधा उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके गया भाई। उस्मानिया थोड़ी नस मार ले रही थी, बोल के उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके गया। उस्मानिया होटल पे लेके गए तो क्या बोलिए, नहीं डेथ हो गई बच्ची की, बोले भाई। मैं फिर वहाँ से सीधा पलक नुमार पीएस को ले लेके गया भाई, मेरी बहन का इंसाफ होना भाई। ने तो मैं देखो भाई, मेरी बहन का सब इनके साथ ही करे भाई, सब इनकी सास करे, सास और बेटी दोनों मिलके करे, मेरे को मेरी बहन का इंसाफ होना। इनका मार के डाले भाई मेरी बहन को, आए तो खटकाने मारे और ऊपर से बोल रहे दलाले करते हमारी बहन, दलाले तो इनको। शादियों के कितने साल हुआ था? शादियों के भाई एक साल भी नौ बाजी, एक साल में भी दवा लाओ बोले तो दवा लाते ना, कुछ लाते सीधा उठा के घर पे फेंक देते, दवा ला लो तुम्हारी बेटी को। मैं बोल हनोगा बोले भी फोन करके, भाई हमारी बेटी को बिठाना नहीं है, करना नहीं है जी, खाली खड़ाना है, इधर उधर टहलाना है। बोले तो नहीं बिठा के 50 किलो चावल चुना रहे, पेट में चाले फूट गए तो पूरा मर जाती बोले बच्ची। तो भी इनका ध्यान से मारे थे कि नहीं छोड़े भाई। एक साल से तकलीफ में है मेरी बच्ची। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम मोहम्मद ख्वाजा है जी। मैं पहले तालाब कट्टे में रहता था, अब वो बच्ची के खातिर घर बेच के शादी कर गए, बच्ची के अपने पास पैसा नहीं थे तो यहाँ का हुआ तालाब कट्टे का घर बेच दे के बच्ची की शादी करा। 7 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए जुड़े में दिया। कब हुई थी शादी बच्ची की? जनवरी अगले साल फेब्रुवरी 14 तारीख को हुई जी। 1 साल 1 महीना होता फेब्रुवरी की शादी हुई जी। 50 किलो चावल, देवर के कपड़े धोना, फिर उनकी बेटी आती, बेटी के कपड़े धोना, दामद के कपड़े धोना। अच्छी अम्मी उन्हें बोल रही भी करते, आप चावल छान के रख डालो, मैं सुबह उठ के चुन के पका लेती हूँ। नहीं रही सिनाल भोसड़ी लंगे लंगे गाल यहाँ। परसों आई तो बच्ची समझा के करके, 3 दिन पहले आई तो बच्चे नहीं हो रहे, वो तो टीवी एक्सरा निकाल के गोलियां दिला के करके 4,000 रुपए लगा के कल्ले परसों बीच गई बच्ची, कल्ले परसों बीच गए। तो मरा था काम क्या है, सुबह में लड़ाई हो रही तो रहना नहीं रहना, जान दो जी अम्मा को समझाना। आपको कैसा मालूम है ये था हुआ बोल के? फोन आया भाई। अच्छा फोन आया, फोन आते हमारी जोरू है ये बच्चा, दोनों गाड़ी दाल लेके आए, आज तक बच्ची लटकी हुई है कहते। अब अम्मा इधर से भाई ने दरवाजा तोड़ के पैर पकड़े, चाकू दे जी चाकू दे, बोले तो चाकू देने भी काटने के वजह से 15-20 मिनट चाकू देने में फिर गए, काटे काट के यहाँ से फिर सीधा भाई अम्मा है बच्ची का कुछ क्या हो जाएगा बोल के पलट के आसरा दवाखाने को ले गया, तो आसरा दवाखाने में डेड हो गई बोल दिया। तब क्या चाह रहे आप हुकूमत से? चाह रहा हूँ कुछ भी नहीं, वो ऐसी सास दूसरों को तकलीफ नहीं था ना, कोई बेटा घर में नहीं है उनके, ये मेरी बेटी बेटी थी, पूरे बेटे शादियां करे पूरे भाग गए। ये बच्चे से भी पूछो आप भाई देखो सामने, हाँ मैं रखने वाला अपनी जोरू को ऐसा रोज जो रोज हमारी अम्मा छीना भोजली सुबह उठते ही लंगे लंगे गाली सुबह। ये इससे पहले बच्ची आके बोली मेरे को, देखो पापा जैसे बोले वैसा गालियां देते। या बच्ची करी सुसाइड? अब मेरे को शक ये है बच्ची करी नहीं करी, मैं तो देखा नहीं आके, इतना टॉर्चर करे उसको जो खुद ब खुद अपने आप फांसी ले ली, या हो सकता है इन्हों क्या करे, हम तो देखने नहीं गए, हम तो मोहम्मद नगर में है, खुली बात है आपके सामने जो है